fireworks. क्या आपको लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ है? Do you believe that everything is written? मैं काफ़ी किस्मों के गाने सुनता हूँ. मतलब मुझे पुराने पाकिस्तानी गाने सुनने का बहुत शौक है, मुझे इंडियन गाने सुनने का बहुत शौक है, और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है उसमें बीटल्स और दो तीन बैंड्स के अलावा मैं कोल्डप्ले बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा. स्पेशली मुझे और मेरे दोस्त उबैद को कोल्डप्ले का हमेशा से बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलवेज, हर वक्त, समझ लें आपकी, मतलब हर वक्त. और कोल्डप्ले के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट ये करती थी कि कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट जो होता है ना वो कमाल होता है. मतलब जितना मैंने देखा था टीवी पे, लगता है कि मतलब इससे बेहतर कॉन्सर्ट दुनिया में किसी का हो नहीं सकता. इस तरह की फील आती है उसको देख के. स्पेशली मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के बारे में, उनका एक पर्टिकुलर गाना है फिक्स यू. और जब वो फिक्स यू गाते थे तो जितना मैंने वीडियोस में देखा था कि पूरा स्टेडियम ऑरेंज हो जाता था. और एंड में सिंगर जब होता था और पूरा क्राउड गा रहा होता था, और वो जो फीलिंग थी, वो जो मोमेंट थी ना, मुझे वो इतनी बस कुछ होता था यार, मुझे ये चीज़ जिंदगी में एक बार देखनी है, अटेंड करनी है, फील करनी है. कमाल कमाल. तो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए फिर यूके गया तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार अगर जिंदगी ने चांस दिया तो मैं कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में जरूर जाऊंगा. वैद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मेरे अलावा कोल्डप्ले का शौक था, वो लंदन में ही रहता था, तो मैंने उसको बोला था कि यार मैं आ रहा हूँ, और अगर तो जान समझ गया ना, बस समझ गया. उसने कहा हाँ समझ गया. खैर मैं जब जा रहा था तो मैंने पहले रिसर्च की कि यार कॉन्सर्ट नेक्स्ट कोल्डप्ले का कब हो रहा है, और मुझे पता लगा कि मैं जब जा रहा हूँ उससे हफ्ते पहले कोल्डप्ले का एक कॉन्सर्ट था. उनकी एक एल्बम आई थी, नहीं उसका एक कॉन्सर्ट था, और हफ्ते पहले, उसके हफ्ते बाद की मेरी फ्लाइट थी. मैंने कहा ये तो मिस हो गया, ये तो व्हाट अ फ्रंट फुट शॉर्ट लाइफ. Life, what is life? उसके बाद अगले 5 साल मैं यूके में ही था, और अगले 5 साल कोल्डप्ले का कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ. कॉन्सर्ट क्या, कोल्डप्ले की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया कि मैं कॉन्सर्ट कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, जीरो. मैं और बैद मरते रह गए, यार हमारा दिल नहीं है, हम क्या है, हम कौन, कुछ है हम लोग नहीं है. खैर नहीं हुआ कॉन्सर्ट कोल्डप्ले का, और मैंने कहा कि यार शायद ये जो है ना, ये जो ख्वाब ही रह के, बड़ा अफसोस हुआ था. पांच साल बाद जब मेरा वापस पाकिस्तान आने का टाइम आया, तो जब मैंने अपनी फ्लाइट कराई तो मुझे पता लगा कि मेरी वापसी की फ्लाइट जिस दिन की हुई हुई है उसके हफ्ते बाद कोल्डप्ले लंदन आ रहा है. और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये जिंदगी मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही है, ऐसा कि फुल पॉइंट्स, जिंदगी को फुल पॉइंट्स. तो मैंने उबैद से डिस्कस किया, उबैद ये सीन है, तो उबैद ने मुझे धमकियां दी कि अपनी फ्लाइट चेंज कराओ, धमकियां दी. मैंने भी सोचा यार कि ये तो हमने कब से प्लान किया हुआ है, तो फ्लाइट चेंज कराना तो बनती है इस बारे में. तो मैंने अपनी फ्लाइट चेंज करा ली और कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट मैंने अटेंड करा. कमाल. पाँच साल मैंने इंतज़ार किया था उस कॉन्सर्ट का, और वो सारी चीज़ें जो मैं वीडियोस में देखता था मैं आज वो फील कर रहा हूँ. कमाल कॉन्सर्ट है. मतलब ज़िंदगी में अगर आप में से किसी को मौका मिले कभी भी, तो आप ये कॉन्सर्ट ज़रूर अटेंड करेगा. एंड और फिर आया वो फिक्स यू वाला, ऑरेंज वाला मोमेंट. Yeah.
By the way, मिसबा भाई अब उसके भी कोच हैं पिशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, पाकिस्तान के भी कोच, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी हैं। मिसबा भाई बैटमैन मुझे लग रहा बन जाएंगे बहुत जल्दी, मतलब वो अनाउंस करने वाले होंगे कि यार मैं बैटमैन बन रहा हूँ। तख लिया